Assalamualaikum, good day everyone. Welcome to Islamabad Sarina Hotel. My name is Padma, I'm the executive chef here. Today we're going to take you through our desi chef Baluch for the entire exotic cuisines that will be shared in our YouTube channel plus our Facebook. Hope you'll be watching it and trying it further. अस्सलामुअलैकुम। आज दोबारा एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाने आप लोगों को सिखाएंगे बटर चिकन। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए लेग पीस बोनलेस चिकन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बटर। वन स्पून बटर डालेंगे इसमें। इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। गार्लिक जिंजर ब्राउन हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे टमाटो। इसे हमने ब्लांच किया हुआ है पहले, स्किनलेस करके उसके बाद ब्लेंड किया हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। ऑनियन ये ब्लांच किया हुआ पहले, उसके बाद इसको फाइन ब्लेंड किया हुआ। जब आप इसको प्याज को बॉईल करेंगे और ब्लेंड करेंगे ये क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली क्रश। और टर्मरिक पाउडर। और ग्रीन चिली पेस्ट। अब इसे अच्छी तरह पकाएंगे। अब तंदूरी कलर देने के लिए आपने इसमें रेड कलर ऐड करना है। बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है इसको। अब ये हमारा इसको मसाला बनाने का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको हम साइड पे कर देंगे।
अब जो इसमें हम तंदूरी चिकन ऐड करेंगे, उसके लिए आपने लेना है 1 kg चिकन। और उसके लिए हम मैरिनेशन सबसे पहले बनाएंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिल्ली पेस्ट, उसके बाद लेमन जूस, सॉल्ट, क्यूमन सीड, कोरिएंडर, रेड चिली पाउडर, और कैश्यू नट पेस्ट, ये चिकन को सॉफ्ट रखने के लिए ना कैश्यू नट पेस्ट डालेंगे, पॉपी सीड। पॉपी सीड को ओवरनाइट आपने भिगो के रखना है, उसके बाद आपने अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर देना है पानी के साथ। फोर टीस्पून डाल दें और रेड तंदूरी कलर डाल दें इसमें। और कुकिंग क्रीम इसमें ऐड कर दें। चिकन को अच्छी तरह इसमें मैरिनेट कर लें। दो घंटे मैरिनेशन के बाद इसको आप स्कीवर पे, अगर आप बारबेक्यू पे नहीं लगा सकते तो आप ओवन में भी इसको कलर दे सकते हैं। आप स्कीवर इसको ग्रेवी के हिसाब से भर के, जितनी आपने इसका मसाला बनाया हुआ है, और ज़्यादा कलर इसको आपने देना नहीं है, सिर्फ स्मोकी फ्लेवर इसको देना है। और कोशिश करें बोटी आपकी हैंग ना हो स्कीवर पे, ऐसे आप इसको वो भरें कि बोटी आपकी हैंग ना हो, कहीं से लटक ना रही हो। स्कीवर पे बारबेक्यू बनने के बाद आप इसको ग्रिल कर लें। मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके पास ग्रिल का ऑप्शन नहीं है तो ओवन में आप इसको कलर दे सकते हैं। आपने इसको थोड़ा सा कलर देना है। वाओ, और आपने 70% कुक करना है ग्रिल के ऊपर, 30% आपने ग्रेवी में ऐड करके ना कुक करने से, और ज़्यादा कलर इसलिए इसे देना नहीं है ताकि वो ग्रेवी में आपके ब्लैक ब्लैक नज़र ना आ जाए। बहुत ही मज़े की डिश है, आपने लाजमी ट्राई करना है।
चारों तरफ से आपने स्मोकी फ्लेवर देने से। कलर देने के बाद बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है इसे। आप इसे ऐसे आपने जूलियन श्रेडेड का आपने काटना है इसे। बहुत ही मज़े वाली डिश है, आप इंजॉय करेंगे इसे। आपने जो ग्रेवी मसाला इसका बनाया हुआ है उसमें आप ये ऐड कर देंगे। मसाले में आप ऐड करेंगे ग्रीन चिली, कोरिएंडर फ्रेश, और खसखस, पॉपी सीड, बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी बन चुकी है हमारी बटर चिकन की। आपने 70% ग्रिल पे कुक करना है और 30% आपने यहाँ पे इसको डन करना है। ब्लैक पेपर इसमें अब इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़े की और रेडिश किसी ग्रेवी बनी है इसकी। बटर चिकन आप लोग इंजॉय करें। थैंक यू। बिलीव आफ्टर वॉचिंग आवर वीडियोज यू विल बी ट्राइंग इट एट होम। स्टे ट्यून फॉर मोर माउथ वाटरिंग कुजीन्स दैट विल बी शेयर्ड विद यू इन आवर यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल बाय आवर शेफ बलूच। सरीना होटल्स विशिंग द एंटायर पाकिस्तान 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।